हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिजी लॉकर कि डिजी लॉकर क्या है और इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं और आजकल सबसे ज़्यादा डिजी लॉकर क्यों यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे कि डिजी लॉकर क्या होता है और इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डिजी लॉकर क्या है। डिजी लॉकर क्या है, व्हाट इज डिजी लॉकर। अगर बात की जाए डिजी लॉकर की, तो ऐसा समझिए कि जो डिजी लॉकर हमारा ऐप होता है, डिजी लॉकर ऐप में जिस तरीके से हम घरेलू कोई भी वस्तुएं होती हैं उनको हम एक बॉक्स में रखते हैं, ठीक उसी तरीके से जो हमारी ज़रूरतमंद दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं डिजी लॉकर में बिल्कुल हम सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि जब हम कहीं पर भी मार्केट में जाएं तो इनकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है उनको हमें ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने मोबाइल फ़ोन में डिजी लॉकर ऐप को इंस्टॉल करके रखते हैं, उसकी आईडी बना के रखते हैं और उन सभी डॉक्यूमेंट को हम उसी डिजी लॉकर ऐप में सुरक्षित रख सकते हैं और उसमें हम जब रखेंगे तो कहीं पर भी जाएं बिल्कुल वह ओरिजिनल की तरह ही काम करते हैं। तो ये होता है हमारा डिजी लॉकर। तो चलिए इसको हम विस्तार से जानते हैं डिजी लॉकर ऐप के बारे में। जो डिजी लॉकर ऐप है यह नागरिकों के लिए अपने व्यक्तिगत और सरकार द्वारा जारी डिजिटल दस्तावेजों को संग्रहित करने और उन तक पहुंचने का एक सुरक्षित और सुविधाजनक मंच होता है। क्योंकि डिजी लॉकर में जो सरकार के द्वारा डिजिटल दस्तावेज जारी किए जाते हैं उनको हम इस ऐप में बिल्कुल सुरक्षित और सुविधाजनक रख सकते हैं। इसके जरिए आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड आदि सुरक्षित रख सकते हैं। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया। इस ऐप को जब लॉन्च किया गया था तो इसमें स्टोरेज क्षमता जो थी 100 MB तक थी, यानी कि इस ऐप में हम केवल 100 MB तक के ही दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते थे। लेकिन बाद में इसे 1 GB कर दिया गया और इस ऐप की जो स्टोरेज क्षमता थी इसको बढ़ाकर 1 GB कर दिया गया, यानी कि 100 MB से लेके 1 GB तक हम इसमें अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित स्टोर कर सकते थे। क्योंकि इसे भारत सरकार द्वारा बनाया गया है इसलिए इसमें अपलोड किए गए सभी दस्तावेज भौतिक रूप से जितने वैध हैं उतने ही कहीं भी मान्य होंगे, यानी कि इन दस्तावेजों को भौतिक रूप से जितना हम इनका यूज करते हैं जहाँ पे चाहे वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर हम इनको डिजी लॉकर ऐप में रखेंगे तो जितने हमारे भौतिक रूप से मान्य होते हैं उतने ही डिजी लॉकर में रखेंगे, फिर भी ये ऐप की सहायता से हम अपने दस्तावेजों को उतना ही यूज कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों पर निर्भरता को कम करना, दस्तावेज प्रबंधन प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाना और इसे सुरक्षित बनाना और पेपरलेस के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। और यह सुविधा भारत सरकार द्वारा बिल्कुल मुफ्त है, यानी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। डिजी लॉकर में जो भी हम ऐप रखेंगे उनको बिल्कुल हम मुफ्त में रख सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए बस आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है और आप इसका इस्तेमाल डिजी लॉकर ऐप या वेबसाइट दोनों पर भी कर सकते हो। अगर आप लोग इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हो तो आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, तभी आप इस सुविधा का लाभ उठा पाओगे। और इस ऐप का इस्तेमाल आप ऐप के रूप में भी कर सकते हो या फिर इसकी जो वेबसाइट होती है डिजी लॉकर, उस वेबसाइट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। डिजी लॉकर जो ऐप है हमारा काम कैसे करता है, तो सबसे पहले इसमें काम करने के लिए हमको खाता निर्माण करना होगा, यानी कि डिजी लॉकर ऐप में हमको खाता बनाना होता है। तो डिजी लॉकर का उपयोग करने के लिए नागरिकों को आधिकारिक डिजी लॉकर वेबसाइट जैसे digilocker.gov.in या फिर digitallocker.gov.in पर जाकर एक निःशुल्क खाता बनाना होगा और नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल पता जैसे बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करनी होगी। ध्यान दें कि आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। जब आप डिजी लॉकर ऐप में अपना खाता बनाओगे तो वहाँ पर आप जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करोगे वो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आप डिजी लॉकर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। दस्तावेजों को अपलोड करना और स्टोर करना,
यानी कि खाता बनाने के बाद उपयोगकर्ता अपने व्यक्तिगत और सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में अपलोड कर सकता है। जब हम डिजी लॉकर ऐप में खाता बना लेते हैं, फिर उसमें हम अपने जो हमारे दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको अपलोड करना होता है, तो हम नॉर्मली उसमें अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि डिजी लॉकर ऐप में हम कोई भी PDF हो या फिर JPG फाइल हो या PNG फाइल हो, इन सभी दस्तावेजों को हम एक फॉर्मेट में स्वीकार कर सकते हैं। उपयोगकर्ता अपने खाते में 1 GB तक के दस्तावेज स्टोर कर सकता है। अगर हम दस्तावेज अपने डिजी लॉकर में अपलोड करना चाहें तो हम 1 GB तक हम उसमें अपने दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो उसमें स्टोरेज क्षमता होती है 1 GB तक ही होती है। आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य को डिजी लॉकर में अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या कोई मार्कशीट हो या कोई भी आपके पास दस्तावेज हैं, तो उनको हम डिजी लॉकर ऐप में बहुत ही आसानी से अपलोड कर सकते हैं। दस्तावेजों को साझा करना। उपयोगकर्ता अपने अपलोड किए गए दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों, बैंकों और अन्य संगठनों जैसे अधिकृत संस्थाओं के साथ भी साझा कर सकते हैं। अगर हम डिजी लॉकर ऐप में जो हमारे दस्तावेज होते हैं उनको हम किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहें तो नॉर्मली शेयर भी कर सकते हैं। साझा करने की प्रक्रिया सुरक्षित है और इसे एक URL के माध्यम से साझा किया जा सकता है। अगर हम डिजी लॉकर ऐप की सहायता से जो हमारे दस्तावेज हैं किसी दूसरे को हम शेयर करना चाहें तो URL के माध्यम से हम अपने उन दस्तावेजों को शेयर कर सकते हैं, जिसे प्राप्तकर्ता को भेजा जा सकता है। यानी कि URL के माध्यम से हम अपने उस दस्तावेज को प्राप्तकर्ता को भेज सकते हैं। प्राप्तकर्ता दस्तावेज तक केवल एक बार पहुंच सकता है और दस्तावेज गोपनीय और संरक्षित रहता है। यानी कि जब हम उस व्यक्ति को अपने दस्तावेज शेयर करेंगे तो जो हमारे दस्तावेज हैं गोपनीय और संरक्षित रहते हैं। डिजी लॉकर की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि फीचर्स ऑफ डिजी लॉकर। डिजी लॉकर की कुछ विशेषताएं, दस्तावेजों को कहीं से भी कभी भी हम एक्सेस कर सकते हैं। मान लिया हम कहीं पर भी हैं, हमारे पास दस्तावेजों की हार्ड कॉपी नहीं है, तो हम उनको जो डिजी लॉकर में हमने लोड करके रखा है उन दस्तावेजों को यूज कर सकते हैं। एजेंसियों के बीच दस्तावेजों का आसानी से हम आदान प्रदान कर सकते हैं। जारीकर्ता विभाग इन दस्तावेजों को डिजिटल लॉकर प्रणाली में संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करता है। ई हस्ताक्षर सुविधा का उपयोग कर डिजिटल हस्ताक्षर कर सकते हैं। उपयोगकर्ता डिजी लॉकर मोबाइल ऐप को ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। अगर जिस भी व्यक्ति को डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करना हो तो नॉर्मली गूगल प्ले स्टोर से वो डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड कर सकता है और अपने संग्रहित दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए अपने खाते में लॉगिन कर सकते हैं। ऐप को उपयोग में आसानी के लिए डिजाइन किया गया है और यह उपयोगकर्ता को एक सहज अनुभव प्रदान करता है। यानी कि जो डिजी लॉकर का ऐप है इसको उपयोग करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, क्योंकि हम ऐप की सहायता से डिजी लॉकर जो ऐप होता है इसको बहुत ही आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं। दस्तावेज प्रबंधन प्रक्रिया को तेज और अधिक सुविधाजनक बनाता है, लेकिन कागज की आवश्यकता को कम करके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी मदद करता है। डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाएं? मान लिया हम डिजी लॉकर ऐप यूज कर रहे हैं तो इसमें हमको अकाउंट कैसे बनाना होता है? तो सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको साइन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना होगा। फिर आपके मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे दर्ज करने के लिए आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। यानी कि जब आप अपना मोबाइल नंबर डिजी लॉकर में डालेंगे, कंटिन्यू क्लिक करेंगे, तो आपने जो भी मोबाइल नंबर वहां पे डाला होगा उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगी और फिर हम अपने उस एप्लीकेशन में OTP फिल करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यह आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा, यानी कि वहाँ पर हमें अपना यूजर नेम जो भी हम बनाना चाहें और अपने हिसाब से हम पासवर्ड वहाँ पे बनाएंगे जो हम वहाँ पे बनाना चाहें। साइन अप करने के बाद आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा और आधार नंबर भरने के बाद
आधार कार्ड के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और आधार से डेटा एकत्र करने के लिए एक पॉपअप दिखाई देगा, यानी कि एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका आधार ऐप पर दिखाई देगा। जब हम इतनी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, फिर जो हमारा आधार कार्ड होगा डिजी लॉकर ऐप पर दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि आपका अकाउंट बन चुका है। इन सभी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जो हमारा अकाउंट होगा वो बन जाएगा। तो ये होता है हमारा डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में अकाउंट कैसे बनाते हैं और डिजी लॉकर ऐप क्या है या काम कैसे करता है और यह इतना उपयोगी क्यों है, तो इस वीडियो में हमने डिजी लॉकर ऐप को बिल्कुल डिटेल में कवर किया। और अगले वीडियो में जानेंगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या हैं, इनका यूज हम किस लिए करते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों को अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।